Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे आप सब? I hope extremely well. So guys, मेरा नाम है दीपांशु. मैं बनाता हूँ videos related to study visa, work visa, settle abroad and sometimes travel vlogs too. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडिंग यूके के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कौन सी कंट्री को चूज किया जाए स्टडी डेस्टिनेशन के लिए. सो बहुत सारे ऑप्शन है, कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इटली, जर्मनी एंड बहुत सारे. बट आज हम लोग यूके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आफ्टर स्टडीज लाइक बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट वर्क वीजा मिलेगा. आफ्टर ऑल यूके स्टडी टॉप डेस्टिनेशन में आता ही है, एंड उसके बाद ये अनाउंसमेंट होने के बाद तो इसका वीजा रेशियो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है. आई सिलेक्टेड वन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, जो कि यूके की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एंड ये एस्टेब्लिश हुई थी अराउंड 1882 में, मतलब 100 ईयर्स बैक. और ये यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस है यूके में, एंड ये अराउंड लंदन से 30 मिनट्स का डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी एंड लंदन के बीच में, तो आपका लंदन आना जाना चलता रहेगा. नेक्स्ट इनटेक इस यूनिवर्सिटी का आ रहा है, वो है अप्रैल 2020 इनटेक, एंड इस यूनिवर्सिटी के रोलिंग इनटेक है, तो ये एंटायर ईयर चलता रहता है. लाइक अभी अप्रैल है, देन जून, जुलाई, सेप्टेम्बर, नवम्बर, एंड देन फिर सेम अगेन नेक्स्ट ईयर. और अगर मैं इसमें कोर्सेज की बात करूँ, कोर्सेज के ड्यूरेशन की, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स चूज करते हैं या 2 ईयर्स, लाइक 22 मंथ्स का. टॉक अबाउट ट्यूशन फीस, तो इसके एमबीए की ट्यूशन फीस है 14,000 पाउंड, जो कि इंडियन रुपीज में होगा 12.8 लाख. एंड अगर इसकी मास्टर ऑफ साइंस की बात करूँ, तो इसका फीस रहेगा आपका 12,750 पाउंड, इन इंडियन रुपीज इट विल बी 11.7 लाख. अगर एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 12th में आपके 55% होने चाहिए, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके बैचलर डिग्री में 50% होने चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूँ, तो आइल्स में आपके 6 बैंड होना चाहिए, एंड 5.5 बैंड ईच मॉड्यूल में होना चाहिए, एंड पीटीई का स्कोर आपका 52 होना चाहिए. एंड यूके में आप विदाउट आइल्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ 2 कंडीशन है. लाइक फर्स्ट कंडीशन यह है कि आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% से अबव मार्क्स होने चाहिए. सेकेंड, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्काइप इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा उनके लैंग्वेज डिपार्टमेंट से. इस तरीके से आप विदाउट आइल्स भी यूके में की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट गैप, कितना गैप एक्सेप्टेबल है, तो 10 इयर्स तक का गैप एक्सेप्ट हो जाता है, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस शो करना रहेगा, लाइक इस होल गैप में आपने क्या प्रोडक्टिव किया है, तो एक्सपीरियंस लेटर्स लगा के आप इस गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं. बात करूँ तो कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एंड फाइनेंस, एंड साइबर सिक्योरिटी, इन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. तो उसकी जो कोर्सेज की लिस्ट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. जॉब्स के रिगार्डिंग बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो ड्यूरिंग स्टडीज आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, एंड वैकेशंस में आप लाइक फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, एंड ऑन एन एवरेज लाइक पर आवर वहां पर 10 पाउंड आप इजिली अर्न कर सकते हैं. एप्लीकेशन की बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर में, तो इसकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है, बट आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे. उसमें फर्स्ट आएगा आपका सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट्स, डिग्री एंड एवरीथिंग. उसके बाद सेकेंड आपका कॉपी ऑफ पासपोर्ट, थर्ड आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लाइक क्यों ये कोर्स के लिए आप आ रहे हैं, फोर्थ आपका लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसमें लाइक आप आइल्स शो कर सकते हैं, आपका पीटी स्कोर शो कर सकते हैं, एंड अगर ये विदाउट आइल्स आ रहे हैं, तो आपको आपका 12th का स्कोर शो करना रहेगा इंग्लिश. डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप एप्लीकेशन करते हैं, एंड वहां से फिर आपको कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है. उसके बाद आपको वहां पर एक परसेंटेज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर के लिए 75% ट्यूशन फीस आपको डिपॉजिट करनी रहती है. उसके बाद वहां से कैश लाइक ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर आता है, एंड जिसके बेस पर आप वीजा अप्लाई करते हैं. तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी स्टडी इन यूके की, एंड इसके बाद अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड नेक्स्ट वीडियोज में लाइक लिविंग कॉस्ट और वीजा प्रोसेस के वीडियोज भी बना दूंगा यूके के लिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.